जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 28 अगस्त के जो MCQs हैं वो देखने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस ले सकते हो। उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.studyiq.com। तो यहाँ पर जाकर आप अलग अलग जो पेन ड्राइव कोर्सेस हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए वो ख़रीद सकते हो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो इंडस वाटर ट्रीटी, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एक पार्टी है वो है वर्ल्ड बैंक, जो कि ये बताती है कि वाटर अवेलेबल जो है इंडस सिस्टम में वो यूज़ किस तरीके से करना है। दूसरा आता है कि इस ट्रीटी के हिसाब से जो ट्रांजिशन पीरियड है वो 10 साल का है, जो कि परमिट किया गया है, जिसमें भारत बाउंड है कि पाकिस्तान को वाटर सप्लाई कर सके ईस्टर्न रिवर्स का। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स आती है, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। तो यहाँ पर ये जो तीन रिवर्स है ऊपर की वो जाती है पाकिस्तान की तरफ, और ये जो नीचे की तीन रिवर्स है रवि, ब्यास, सतलज, ये आती है भारत की तरफ। अब इसमें से भी कुछ हिस्सा जो है वो पानी का वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि ये जो पानी इस तरफ जा रहा था वो गडकरी साहब ने बोला कि ये जो पानी है हम रोक देंगे, ये पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा, मतलब पूरी तरीके से भारत जो है वो यूटिलाइजेशन करेगा। और ये जो तीन ऊपर की रिवर्स है ये पाकिस्तान की तरफ जाती है, और इसमें इंडिया किसी भी तरीके का जो डैम होता है वो नहीं बांध सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। इसका जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हो इस ट्रीटी जो है वो हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इनका जो मीडिएटर है वो है वर्ल्ड बैंक। अब ये साइन की गई थी कराची में सितंबर 19, 1960 को, और यहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आयूब खान। तो इसमें जो ईस्टर्न रिवर्स है वो भारत के पास आए हैं, जैसे ब्यास, रवि और सतलज, और जो तीन रिवर है इंडस, चेनाब, झेलम, ये पाकिस्तान की तरफ गए हैं। और 10 ईयर का जो ट्रांजिशन पीरियड है यहाँ पर दिया गया था, जहाँ पर भारत बाउंड था कि वो पाकिस्तान को ईस्टर्न रिवर का पानी जो है वो सप्लाई करे, और पाकिस्तान इसके बीच कैनल सिस्टम जो है वो भी बिल्ड कर सकता था ताकि जो वेस्टर्न रिवर्स है उसका यूटिलाइजेशन कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ड्रोन्स, देयर ऑपरेटर्स एंड पायलट्स विल हैव टू बी मैंडेटरीली रजिस्टर्ड ऑन एविएशन रेगुलेटर। अब यहाँ पर जो ड्रोन्स चलते हैं आपने देखा होगा ऊपर जो उड़ते हैं ड्रोन्स, तो उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा एविएशन रेगुलेटर के हिसाब से ऑनलाइन पोर्टल पर। अब इसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट जो है वो पहचानना है। ड्रोन्स क्या है, आर बार्ड फ्रॉम बीइंग फ्लोन नियर एयरपोर्ट्स। अब जो ड्रोन्स होते हैं वो एयरपोर्ट्स के पास आप फ्लो उसे उड़ा नहीं सकते हो, इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं उड़ा सकते हो, कोस्ट लाइन पर नहीं उड़ा सकते हो, पार्लियामेंट के पास नहीं उड़ा सकते हो, सेक्रेटरिएट के पास नहीं उड़ा सकते हो, और मिलिट्री इंस्टॉलमेंट के पास नहीं उड़ा सकते हो, और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है वहाँ पर भी नहीं उड़ा सकते हो। स्मॉल और लार्ज ड्रोन्स जो होते हैं वो मैक्सिमम हाइट 500 फीट तक उड़ सकते हैं, और जो नैनो ड्रोन्स होते हैं वो 100 फीट से ऊपर नहीं उड़ने चाहिए, और जो माइक्रो ड्रोन्स होते हैं वो 50 फीट तक उड़ने चाहिए। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इसका जवाब रहेगा वन ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो नैनो मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 250 ग्राम्स, माइक्रो मतलब क्या है, 250 ग्राम्स टू 2 kg, स्मॉल मतलब 2 kg टू 25 kg, मीडियम मतलब 25 kg टू 150 kg, और लार्ज मतलब ग्रेटर देन 150 kg। और ड्रोन्स जो है ये सारी जगहों पर उन्हें बार्ड किया गया है, नहीं उड़ा सकते हैं, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल बॉर्डर, कोस्ट लाइन, पार्लियामेंट, सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट, इको सेंसिटिव जोन। उसी के साथ साथ स्मॉल और लार्ज ड्रोन जो होते हैं वो मैक्सिमम हाइट 400 फीट तक जा सकते हैं, नैनो ड्रोन जो है वो बियॉन्ड 50 फीट, एंड माइक्रो ड्रोन्स मस्ट बी विद इन 200 फीट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जो है ये पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है विथ रेफरेंस टू द मोशन ऑफ थैंक्स इन इंडियन पार्लियामेंट। अब इंडियन पार्लियामेंट में जो मोशन ऑफ थैंक्स दिया जाता है किसके द्वारा, हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनके द्वारा मोशन ऑफ थैंक्स। इसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट जो है पहचानना है, इट इज़ गिवन टू द स्पीकर टू द लोकसभा अपॉन अज्यूमिंग ऑफिस। मतलब ये जो है मोशन ऑफ थैंक्स ये स्पीकर को दिया जाता है उनका जो ऑफिस है वो अज्यूम करने के लिए। सिर्फ लोकसभा मेंबर जो है वो मोशन ऑफ थैंक्स पर वोट कर सकते हैं। और तीसरा आता है
कि इट फॉलोज द एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. जो जॉइंट सिटिंग होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठते हैं और इस बीच मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो दिया जाता है फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू लोकसभा को. तो यहाँ पर देखिए ये स्पीकर को दिया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है. दूसरा अगर हम देखते हैं तो सिर्फ लोकसभा मेंबर्स गलत है. तीसरा अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल सही है. तो इसलिए इसका जवाब रहेगा C3 ओनली. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मोशन इंडियन पार्लियामेंट का है. जॉइंट सिटिंग में जो राष्ट्रपति है वो मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, और मोशन जो है ये दोनों हाउसेस में पास होना ही चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पर आता है कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018. तो बायोफ्यूल्स उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ये हेल्प करेगा ताकि जो एम्बिशियस टारगेट्स हैं हमारे, जैसे कि फार्मर की इनकम डबल करना, इम्पोर्ट रिडक्शन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, इसमें हेल्प करेगा. दूसरा है कि नेशनल पॉलिसी जो है बायोफ्यूल्स की वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा बनाई गई है. तो इसका पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव. यहाँ पर आप देख सकते हो बायोफ्यूल्स जो है भारत में स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल डेवलपमेंट, और यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम जो टारगेट्स है, जैसे कि फार्मर की इनकम डबल करना, जो इंपोर्ट है उसे रिड्यूस कर देना. इंपोर्ट को क्यों रिड्यूस करना पड़ता है? क्योंकि देखिए जितना हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना हमारा जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा हमारा जा रहा है. क्योंकि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब बाहर हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब बाहर से हमारे तरफ बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है. तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि इंपोर्ट जो है वो कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होना चाहिए, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन भी होना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग नेचुरलाइज्ड स्पीशीज. तो पहला आता है कि ये एक एलियन स्पीशीज है जो कि नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं और रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, और ये जो नेचुरलाइज स्पीशीज है ये इवेंचुअली इन्वेजिव स्पीशीज में टर्न हो जाते हैं. इन्वेजिव मतलब क्या होता है कि कोई अच्छी इकोसिस्टम चल रही है लेकिन उसमें धाड़ मार देना और उस पर कब्जा कर लेना और फिर पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाना, ये फटाफट स्प्रेड होते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वेजिव स्पीसीज. तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि हर बार नहीं बनते हैं, बन सकते हैं इन्वेजिव स्पीसीज अगर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं तो, लेकिन नॉर्मली नहीं होते हैं, बन सकते हैं, ऑलवेज नहीं है. ऑलवेज अगर नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही होता. तो जवाब रहेगा वन ओनली. यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेचुरलाइज्ड स्पीशीज जो है ये मे बिकम इन्वेजिव स्पीशीज अगर वो सफिशिएंटली एबंडेंट इसमें एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स को. नेक्स्ट यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर इन्वेजिव स्पीशीज इन इंडिया. कौन सी इन्वेजिव स्पीशीज है? तो अफ्रीकन एम्पल स्नेल, पपाया मील बग, कॉटन मीली बग. यहाँ पर देखिए ये जो तीनों है, तीनों इन्वेजिव स्पीशीज है. तो इसका जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव. तो ये जो है एचटीना फुलिका, ये मोस्ट इन्वेजिव है ऑफ ऑल फौना. दूसरा अगर हम देखते हैं पैराकोकस, तो मतलब पपाया मिलीबग, तो ये जो है ये पपाया को डिस्ट्रॉय करता है. ये आसाम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में पाया जाता है और ये मेक्सिको का है. इन्वेजिव स्पीसीज मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर वो नहीं होता था लेकिन बाहर से वो लाया गया है, जैसे छिपकली जो है हमारे यहाँ पर वो इन्वेजिव स्पीसीज है. उसी तरीके से अगर हम कॉटन मिलीबग देखते हैं तो सीवियरली अफेक्ट करता है कॉटन क्रॉप को. डेक्कन नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, कहाँ का है? तो नॉर्थ अमेरिका का है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिसेंटली द लास्ट मेल व्हाइट राइनो, ये इनका ध्यान तो गया था, कैप्टिव मेकिंग द स्पीशीज प्रैक्टिकली एक्सटिंक्ट, वेयर वॉज इट फाउंड? कहाँ फाउंड किया जाता था व्हाइट राइनो? तो व्हाइट राइनो कहाँ फाउंड होता था? अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था. तो ये है केनिया. तो मार्च 2018 में लास्ट मेल जो है व्हाइट राइनो ये मर गए थे, और ये केनिया के बेसिकली हम इन्हें देख सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर आता है निक्षय पोषण योजना के बारे में. तो पहला स्टेटमेंट आता है कि ये एम करता है ताकि जो लोग जी रहे हैं विथ HIV उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है डिसीज़ के बारे में वो क्रिएट की जा सके, और इसके तहत फास्ट ट्रैकिंग हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन हो सकता है जो भी HIV पॉजिटिव है उनका, और उन्हें एंटी रेट्रोवियल थेरेपी जो है वो भी दे सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि ये HIV के लिए है ही नहीं, ये है ट्यूबरकुलोसिस के लिए. इसलिए इसका जवाब क्या रहेगा? नाइदर वन नॉर टू.
तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने लॉन्च किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, ताकि ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट जो है उन्हें यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके एज निश्चय पोषण योजना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है ₹500 पर मंथ ये दिया जाएगा नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स को एंटायर ड्यूरेशन जो उनकी ट्रीटमेंट है उसमें। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।